हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं हम सभी लोग? तो आज है डे 3 ऑफ स्कॉटलैंड और अभी हमने एक टूर लिया है, वहाँ जा रहे हैं। सुबह के 7 बज रहे हैं, जल्द जल्दी से थोड़ा सा ब्रेकफास्ट किया है। स्टे ट्यून्ड, पूरा 12 घंटे का टूर है। इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग लॉन्ग डे। एक हमने टूर बुक किया है वर्थ ऑलमोस्ट 70 pounds का पर पर्सन। ये आप जो भी आउटस्कर्ट्स है यहाँ के एडिनबर्ग के, जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत है, वहाँ पे हमें लेके जाएगा। एंड दिस इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट टूर्स ऑफ एडिनबर्ग। एडिनबर्ग में ना आपके पास लगभग 2 दिन अगर है, इट्स मोर देन एनफ टू एक्सप्लोर द सिटी, बिकॉज सिटी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। जो जगहें हैं जैसे कार्लटन हिल जहाँ पे हम कर रहे थे, तो ये सारी जगह है ना, इजी टू वॉक। और यहाँ पे अगर आप हॉप ऑन हॉप ऑफ बस, जो हमने पहली बार ट्राई करी है, दैट इज़ द मस्ट। तो गाइस, अभी तक अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके चैनल सब्सक्राइब करें एंड स्टे ट्यून्ड। बढ़िया वाली सीट चाहिए, इसलिए मुझे पीछे पीछे जाना, जाने दो। तो दुनिया खड़ी है ना, रुक जाओ 5 मिनट। आप अभी अंदर जाओगे ना, प्लीज मेरे लिए लिड लेके आना। दूसरा यहाँ पे कहाँ मिलेगा? अंदर कॉफी शॉप थी ना। ओके, उसको ना कॉफी लेके गए, लिड टू खराब दिया तुमने। सॉरी। वी हैव अ फायर डोर राइट हियर, dot across the windows there are little hammers, and if you're feeling very agile today, there's even a little roof hatch through the roof. तो चलिए शुरू होता है हमारा आज का दिन का सबसे लंबा टूर, जो कि पूरे के पूरे 12 घंटे का। तो आज जो हमने टूर लिया है उसका नाम है हाइलैंड्स एक्सपीरियंस टूर। यहाँ पे आपको बहुत ढेर सारे टूर्स के ऑप्शंस मिलेंगे, तो आप अपने हिसाब से जो आपको टूर ठीक लगता है आप वो चुन सकते हैं। और ये जो टूर है हमारा, ये आज हमें कवर करवाएगा 3 जगहें। उनमें से सबसे पहली है हाइलैंड्स, देन इज लॉकनेस और फिर ग्लेनको। आई एम श्योर गाइज, आपको ये सारी जगह सुनने में बहुत ज़्यादा अटपटी लग रही होंगी, बट ट्रस्ट मी, ये तीनों की तीनों जगह ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, लिटरली ब्रेथ टेकिंग। तो ये था हमारा पहला स्टॉप। यहाँ पे हमें रोका गया, उतारा गया बस से 15-20 minutes के लिए। कहा गया कि आप कॉफ़ी, चाय, कुछ नाश्ता अगर आपको खाने के लिए कुछ लेना है तो ले लो, पर मेरी तो आपको पता है शुरुआत कहाँ से होगी। मेरा मन था यहाँ पे कुछ सोवेनियर शॉप मुझे दिखी थी, तो मैंने कहा ज़रा यहाँ घुस के देखो कि क्या मिल रहा है, जबकि ये एडिनबर्ग बहुत ज़्यादा दूर नहीं थी, पर मैंने फिर भी सोचा कि कुछ तो डिफरेंट होगा यहाँ। विपिन ने तो बहती गंगा में हाथ धो लिए। जो हमारी टूर गाइड है उसने बोला था कि कुछ खाने के लिए ना एक्स्ट्रा लेना, क्योंकि शायद से रेस्टोरेंट में आपको टाइम लगे, जगह ना मिले, बिकॉज और भी टूर के लोग आने वाले हैं। तो एक तो ये ली एक्लेयर, ख़त्म है, एक ली है एक्लेयर जिसका नामो निशान नहीं है अभी है? क्या है? और 2 sandwiches हम बैग में ऑलरेडी डाल चुके हैं, 1 sandwich ऑलरेडी मेरे बैग में है और मेरी बेरीज है, फ्रूट्स है। ऐसा लग रहा है हम टूर पे नहीं जा रहे हैं, हम कहीं जंगल में जा रहे हैं। जंगल में भी चीज़ें मिलती हैं मिशन। तो मैंने अपने लिए ली बढ़िया सी एक लाते एक्स्ट्रा हॉट और साथ में ये व्यू, लिटरली गाइस दिस इज़ ब्रेथ टेकिंग। और देखते ही देखते हम पहुंच गए अपने दूसरे स्टॉप पे, वेलकम टू हाइलैंड्स। तो ये है हमारा दूसरा स्टॉप जहाँ से हम अभी क्रूज़ लेंगे। तो बेसिकली आपने जो पैसे पे किए 70 pounds, वो थे सिर्फ इस टूर के, क्रूज़ और अंदर एक कासल है जिसके लिए आप अगर चाहते हैं आप अलग से पैसे दे सकते हैं। और हमें यहाँ पे लगभग, बाय द वे वेलकम टू लॉकनेस गाइस, यहाँ पे हमें और 15 मिनट के बाद
आगे से दिख रहा है आपको क्रूज का साइन फॉर द क्रूज। यहाँ पे हमें आके क्रूज में जाना है और अभी हम अंदर जा रहे हैं कुछ खाने पीने के लिए और वॉशरूम यूज करने के लिए। ठीक है सर, फिर एक ही ले लो बस, पानी भी हमारे पास। दिस इज शैंपेन, कितनी क्यूट बॉटल है। चलो चलो आप आगे जाओ ना। और ये है सौविनियर ब्लॉक, अब लग रहा है ना पता हम यूरोप में है, कैंस में आपको वाइन्स मिल रही है। आर्किड कासल ने बहुत सारा मिलिट्री एक्शन देखा था लगभग 500 साल तक, 1200 से लेके 1692 तक। एडवर्ड वन, जो इंग्लैंड के हैमर ऑफ स्कॉट्स के नाम से भी जाने जाते थे, उन्होंने ये कैप्चर किया था 2096 में। काफ़ी टाइम तक स्ट्रॉन्ग होल्ड होने के बावजूद ये स्कॉट्स ने इंग्लिश के हाथों खो दिया और फिर 1300 में आर्किड फीचर हुआ था प्रोमिनेंटली इन द स्कॉट्स स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। तो गाइस अब हम हैं बेनवेस माउंटेन के पास, एक्चुअली पास नहीं बहुत ज़्यादा दूर। तो ये जो आपको सामने माउंटेन दिख रहा है ये है स्कॉटलैंड का सबसे ऊंचा माउंटेन, लगभग 1345 मीटर्स अबव सी लेवल। तो ये था हमारा बहुत ही क्विक स्टॉप और ये आपको जो पीछे पहाड़ दिख रहे हैं इतने ज़्यादा खूबसूरत, ये कहलाए जाते हैं थ्री सिस्टर्स ऑफ ग्लेनको। और ये व्यू यहाँ का इतना ज़्यादा खूबसूरत था, मुझे लिटरली ऐसा लग रहा था कि मैं कहीं तो ना कहीं जन्नत में आ गई हूँ, इतना ज़्यादा खूबसूरत, इतना ज़्यादा साफ। लिटरली यहाँ पर हमें सिर्फ 10 मिनट का स्टॉप मिला था बट मेरा मन कर रहा था यहाँ पर तो मैं ना लिटरली घर बसा दूँ। Thank us the snack shop cafe. That is where you guys are wanting to go to the toilets. And where you guys are wanting to go for food. Now you see the direction where people are just walking. You guys are wanting to come back this way, okay? The doors that you're going to see, they do not open. So walk around this way that you just saw those people do. ये है हमारा लास्ट स्टॉप आज का और यहाँ पे हमें थोड़ा टाइम दिया गया है खाना खाने का और सुबह से सैंडविचेस खा खा के मैं तो थक गई थी। तो यहाँ पे मैंने लिया एक वेजिटेरियन सूप और ये रहा विपिन का हॉट डॉग और चीज़ बर्गर। विपिन ने फुल फ़ायदे उठा लिए इस ट्रिप के, जो खाने का मन कर रहा है खा रहा है, मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ। बट एनीवेज चलो गाइस, वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय। आउटलैंडर, इट वाज कैसल लियोक। इन गेम ऑफ थ्रोन्स इट वाज द सेट फॉर विंटरफेल। ये एंड इन मोंटी पाइथन इट वाज कैसल एंथ्राक्स।
so much, everybody. Now, wherever your travels take you next, please take care of yourselves. Please be safe. And I hope to see you guys back in Scotland soon. Thank you so much, everyone. Thank you.